तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हेलोनिक्स का जो हमारे पास यहाँ पे चार्जर वाली लेडी है, और ये बहुत ही पुराना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो इसका प्रिंटेड है, या प्रिंटेड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मिट गया है। और आप देख पा रहे हैं ये कंपनी यहाँ पे दिख रहा है कौन सा ये कंपनी का है, ठीक है। काफ़ी इसका प्लास्टिक भी डैमेज हो चुका है, तो चलिए देखते हैं। काफ़ी पुराना है, आज हमको मिला है तो इसे ओपन करते हैं। तो ये ओपन, तो गाइस यहाँ पे जो है इसका सारा ये हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट पता नहीं क्या हुआ था, जल गया था। ठीक है, देखो इसका कनेक्शन भी जो है, छोड़ो एक बार शायद हम इसको देखे थे खोल के, लेकिन रिपेयर नहीं किए थे। आज जो है इसे रिपेयर करने वाले हैं, देखते हैं कि ये रिपेयर होता है कि नहीं रिपेयर होता है। और यहाँ से बैटरी है, बैटरी हमारा सही है कि नहीं है, बहुत दिन बाद जो है इसे ओपन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये जो लाइट दिखाई दे रहा है आपको, ये लाइट सही है। ठीक है, और बात करें और इधर हमारा सर्किट, तो सर्किट में वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो पीएफ कैपेसिटर है, ये पीएफ कैपेसिटर जल गया था। ठीक है, और ये रहा पे पीएफ कैपेसिटर, ठीक है, एकदम अलग हो चुका है दो भाग में, तो ये ख़राब है। और शायद इससे जलने के कारण ये इसमें भी, बस ये थोड़ा इसमें ब्लैक दाग लगा हुआ है, बाकी और हमें कुछ ख़राब नहीं नज़र आ रहा। लेकिन ये कंपनी वाला जो हमारे पास ये सर्किट है, ठीक है, तो ये सर्किट कितना, इसमें कंपोनेंट्स कितना कम दिया हुआ है, वही तो हमको। और एक चीज़ हमको इसका पहले दूसरा कंपनी का हम दिखाएंगे, जो कि ये से लोकल है, उसका मैं दिखाऊंगा। तो इस सर्किट में आप देख पा रहे हैं कितना क्या है नहीं है। और यहाँ पे हम पुराना ये सर्किट दिखाएंगे जिसका जो है कोई भी कंपनी नहीं है, इसे लोकल है, उसका आप देख पा रहे कितना सारा कंपोनेंट दिया गया है इस दोनों के मामले में, लेकिन दोनों सेम ही काम करता है। ठीक है, इसमें सिंगल दिया हुआ है, इसमें डबल दिया गया है, पीएफ कैपेसिटर इसमें जो है डबल डबल, ठीक है, ये सब ट्रांसफार्मर एक, कैपेसिटर एक, ठीक है, बाकी दोनों सर्किट है जो सेम है। ठीक है, तो हम इसे जो है डिसोल्डिंग करके इसे निकालेंगे, इसका वाला यहाँ पे सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये हम निकाल लेंगे डिसोल्डिंग करके, ठीक है, कौन सा क्या है ये अब पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं जो है इसे डिसोल्डिंग कर लेता हूँ, निकाल लेता हूँ। तो गाइस मैंने इसका जो है ये पीएफ कैपेसिटर निकाल चुके, अब देख पा रहे कि ये किस तरह हो चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा सामने से। ठीक है, और कुछ इस तरह से इसका अंदर जो है रहता है। ठीक है, तो ये जो है ख़राब हो चुका है, तो इसके बदले में हम जो है इसका पीएफ कैपेसिटर निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, तो हम किसी को भी निकालने से चलेगा क्योंकि, तो चलो मैंने जो है यहाँ से, इसका लेग बहुत छोटा है इसलिए मैं ढूंढ रहा हूँ कि कौन सा बड़ा लेग है जो कि अच्छा से सेट हो पाए। तो गाइस सब देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे इसे निकाल लिए हैं, और हमारा कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है यहाँ पे दिया हुआ होगा, तो हमें इसी हिसाब से इसको भी चेक करके यहाँ पे लगा देंगे कैपेसिटर को। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पे कैपेसिटर को लगा दिए हैं, ठीक है, बढ़िया तरीका से। और बाकी और कोई भी कंपोनेंट्स ख़राब नज़र नहीं आ रहा। ये जो है क्या है, रेजिस्टेंस ख़राब लग रहा है क्या, चेक कर लेते हैं थोड़ा इससे भी। तो गाइस चलिए चेक कर लेते हैं इस रेजिस्टेंस को भी कि इससे ख़राब है, तो हम इसको, ठीक है, बीप की साउंड आ रही है, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इसे। ठीक है, नहीं ख़राब है ना, तो गाइस हमारा रेजिस्टेंस भी ये ख़राब है। यहाँ से एक बार चेक कर देते हैं,
ना खराब है, कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा गाइस, ये भी हमारा ख़राब ही है। ठीक है, तो चलिए इसे भी रिमूव करना पड़ेगा, इसे भी करते हैं रिमूव। अब निकल रहा सिर्फ ये देखना है, ठीक है, उसके बाद ही तो होगा। तो ये निकाल लिए, चलिए और एक बार सामने से चेक करते हैं ना, कोई भी रीडिंग यहाँ पे नहीं बता रहा है। ठीक है ना, ये जल चुका है, तो दूसरा हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, ये हमारा है जो कि लाइन का है, जैसे मैं लाइन पे डालेंगे यहाँ से, तो इसका जो है पावर है ये, तो इसे हम करेंगे बाद में, उससे पहले हम बैटरी को देख लेते हैं कि हमारा बैटरी सही है कि नहीं, क्योंकि बैटरी चार्ज करने के बाद ये शॉर्ट करेंगे तो हमारा लाइट चलने वाला है। ठीक है, सही रहेगा। तो चलिए इस बैटरी को भी चेक कर लेते हैं, काफ़ी दिन से पुराना हो चुका है, पता नहीं क्या हुआ होगा, तो इसको चेक कर लेते हैं हमारा बैटरी सही है कि ख़राब है। ठीक है, तो कोई सिग्नल नहीं, थोड़ा सा भी कुछ यहाँ पे गाइस, हमारा बैटरी सही है लगता है ना, लेकिन पूरा डिस्चार्ज है, पूरा डिस्चार्ज है। तो चलिए इसे चार्ज करते हैं, फिर आगे की वीडियो बताते हैं। तो गाइस, मैंने बैटरी को चार्ज पे लगा दिए हैं, ठीक है, जब तक चार्ज होता है तब तक मैं इसे जो है इसे चेंज करता हूँ। तो गाइस, ये आपको कहाँ मिलेगा, आपको किसी भी एलईडी बल्ब का जो है सर्किट में आपको मिल जाएगा, तो इसे निकाल लेना है हमको। किसी भी एलईडी ड्राइवर का जो है इस तरह से आप इसका कंपोनेंट्स ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पे जो मैं पीएफ के पास यूज़ किए हैं, या आप इसका भी ले सकते हो, आपको इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी एलईडी ड्राइवर में, और यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं कि ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस, इसे भी ये हमारा वो काम में आ जाएगा, तो इसे भी मैं हम इसे रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, अब जो मैं इसे यहाँ पे लगा दूँगा, तो हमने जो है इसे लगा दिए हैं। अब जो है इसका ये पावर का, ठीक है, तो पावर यहाँ से मैं पावर का भी कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो पावर का कहाँ कहाँ आप देख पा रहे हैं, इधर से पता नहीं चलेगा आपको, इधर से पता चलेगा, आप देखो एन और एल लिखा हुआ, न्यूट्रल और लैन। ठीक है, तो यहाँ पे है, तो हमको इधर से इसे कनेक्ट करना पड़ेगा साइड से। ठीक है, तो गाइस मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं, अब देख पा रहे हैं। ठीक है, अब सिर्फ एक बचा हुआ है जो कि बैटरी का, बैटरी अभी चार्ज पे है, तो देखते हैं कि हमारा अब ये जो है वर्क करता है कि नहीं। ठीक है, तो गाइस मेरा बैटरी जो है उतना चार्ज नहीं हुआ, फिर भी देखते हैं, 1 वोल्ट बता रहा है, और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ये जल रहा है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे इसे कनेक्ट कर दिए हैं, और यहाँ पे हमें इस तरह से शॉर्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से देख रहे हैं, नहीं गाइस हमारा ये नहीं जल रहा है, पता नहीं बैटरी 1 वोल्ट है इसीलिए, लेकिन हमारा बैटरी 3 वोल्ट जो है 3.7 वोल्ट आउटपुट देगा, तभी तो शायद ये जलेगा, अच्छा से चार्ज नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसे ऐसे ही चेक करेंगे, होल्डर पर लगा के, ये लाइट कम से कम जलना चाहिए, चार्जेबल नहीं काम करेगा तो कम से कम ये जलना चाहिए, तब ना देखेंगे कि हमारा सब सही है, सिर्फ बैटरी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए पावर देते हैं, एक होल्डर ला के चेक करते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम। तो गाइस, सब देख पा रहे हैं मैंने जो है इसे रिपेयर कर दिए हैं बढ़िया तरीका, चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। कोई भी मेटल यहाँ पे हम टच करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं मेरा जो है लाइट जल रहा है बढ़िया तरीका से, और चलिए मैं होल्डर पे भी यहाँ पे आपको पावर देके दिखा देते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो कितना मस्त जो है ये जल रहा है ना गाइस, ब्राइट भी बहुत ही मस्त है।
तो गाइस इसी तरह गाइस आप भी रिपेयर कर सकते हो अपने घर पे। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा गाइस तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।